बॉलीवुड सिंगर और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे राहुल वैद्य ने बीते दिन 16 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम लवली गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ शादी रचा ली। जी हाँ, आपको बता दें कि फैंस के लिए ये दिन बेहद ही एक्साइटेड था और ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है दोनों की तस्वीरें और वीडियोस। सोशल मीडिया पर सभी इनकी शादी को लेकर बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच अब सामने आया है राहुल वैद्य का एक्सपीरियंस। जी हाँ, राहुल वैद्य ने बताया कि बीवी दिशा परमार के साथ शादी के बाद उनकी पहली रात, आखिर उनकी फर्स्ट नाइट कैसी थी। दरअसल वायरल हुए वीडियो में राहुल वैद्य बता रहे हैं कि पत्नी दिशा के साथ उनकी फर्स्ट नाइट कैसी थी। कुछ रिश्तेदारों ने, लगभग अनजानों ने उनकी फर्स्ट नाइट को बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा कि कैसे उनके कुछ चचेरे भाई चाचा ने पत्नी दिशा परमार के साथ उनकी पहली रात को किस तरह से परेशान कर दिया। यहाँ पर राहुल वैद्य ने कहा कि पहली रात थी, हम सब घर वाले थे, केवल चचेरे भाई को ये श्रेय जाता है, उन्हीं को मैं अर्पित करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने मेरी फर्स्ट नाइट को स्पॉइल कर दिया। जहाँ पर मेरे चाचा और मनोज मामा आ गए मेरे रूम में, वो भी करीब रात को 3 बजे। राहुल ने कहा कि ये मेरी फर्स्ट नाइट थी और मेरी पत्नी मुझसे पूछती है कि क्या इस कमरे में कोई और है, मैंने आंसर दिया हाँ, तो हम इस तरह से सबकी तरफ देखने लगे, फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता और मैं सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह 8 बजे उठा तो मेरे चाचा ने मेरे कमरे की घंटी बजाई और पूछा कि क्या तुम सो रहे हो, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि कल रात अपने कमरे में अपनी जैकेट छोड़ दी थी, मैं उसे लेने आया हूँ। जिसके बाद राहुल वैद्य ने ये कहा कि अंकल आप 12 बजे भी आ सकते थे अपनी जैकेट लेने, लेकिन आपने 8 बजे मेरी नींद खराब कर दी, उसके लिए धन्यवाद। जिस पर दिशा भी काफी ज्यादा जोर से हंसती हुई नजर आती है और लोग इनकी वीडियो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट टाइम लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।